एक छोटी लड़की एक गरीब परिवार में रहती थी। उसके माता पिता दोनों ही बीमार रहते थे, इसलिए घर के सभी काम वह छोटी लड़की ही करती थी। जहां पर उसकी उम्र की लड़की स्कूल जाया करती थी, वहीं वह लड़की दूसरों के घर पर काम करती थी, दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा लगाती थी और अपने परिवार का सारा काम इस छोटी लड़की के ही जिम्मे था। पहले इस लड़की की माता दूसरों के यहाँ पर काम करती थी, अब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो अपनी जगह पर अपनी लड़की को लगा दिया। इस लड़की का नाम रूपा था। रूपा की उम्र काम करने की नहीं थी बल्कि पढ़ाई लिखाई स्कूल में जाने की थी। जब भी रूपा दूसरों के बच्चों को स्कूल में जाते देखती तो वह भी सोचती थी कि एक दिन वह स्कूल जरूर जाएगी, पर किस्मत किसको कहां ले जाए किसी को पता नहीं था। रूपा जिनके घर में काम करती थी उन्हीं घर में से एक घर जिनका नाम हरीश था, वह आदमी हमेशा कहता था कि बच्चे से काम नहीं कराना चाहिए, मुझे यह पसंद नहीं है। पर उसकी पत्नी कहती थी कि कुछ दिनों की बात है, इसकी माता की तबीयत ठीक हो जाएगी फिर इसकी माँ आ जाएगी। एक दिन हरीश उस बच्ची के साथ उसके घर गए और सारी बात पूछी तो उन्हें पता चला कि दोनों की तबीयत खराब रहती है, इसलिए छोटी बच्ची को काम पर जाना पड़ता है। हरीश ने कुछ पैसे दिए और कहा कि जल्दी इलाज शुरू करवा लो और अपनी लड़की को स्कूल भेजो, तभी तुम्हारा भी भविष्य बन जाएगा, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। हरीश ने उस बच्ची का एडमिशन करवा दिया और उसकी पढ़ाई को जारी रखा। एक दिन वो भी आ गया जब रूपा अपनी डिग्री लेकर आई और हरीश जी को धन्यवाद दिया कि आप अगर मदद ना करते तो शायद मैं पढ़ ना पाती। कुछ दिन बाद रूपा को नौकरी मिल गई और उसने अपने माता पिता की सेवा की और किसी को भी काम पर नहीं जाने दिया। हरीश ने जब यह देखा कि रूपा के माता पिता दोनों ही हरीश के पास आए और कहने लगे कि हमें नहीं लगता था कि कोई हमारी मदद करेगा, पर आपने तो हमारी सारी समस्या ही दूर कर दी। दोनों की बातें सुनकर हरीश का मन भी भर आया और कहा कि हमें जरूरत पर सबकी मदद करनी चाहिए, तभी हम इंसान कहलाएंगे। दोस्तों, हमें भी इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मदद हमें जरूर करनी चाहिए, शायद एक छोटी सी मदद किसी का जीवन ही बदल दे। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल यानी दुनिया में हो या आने वाले काल में। अर्थात कहा जाता है कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं सब लोग अपने कर्म के लिए हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वे समान रूपों से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से ये व्यक्ति खुशियों और मुक्ति पाने का पात्र है। अर्थात अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके रास्ते में जितने भी संकट मुश्किलें आए आप उनको पार अवश्य कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो प्रवीण जैन कोचर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और Facebook पे देखने वाले मित्र पेज को लाइक कर सी फर्स्ट जरूर करें।